चंद्रपुर का प्रसिद्ध अखबार पार्थशर समाचार की ओर से चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण पुरस्कार 2024 का आयोजन 9 फरवरी 2024 को एनडी होटल में होने जा रहा है। इस पुरस्कार के निमित्त से चंद्रपुर शहर के गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को सराहा जाएगा, जिसके वजह से उन्हें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अच्छे उपक्रम के लिए मैं पार्थसर समाचार के राजेश जी नायडू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोग इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहे, ऐसा उनसे अनुग्रह करता हूँ। येत्या 9 फरवरी 2024 ला तिसऱ्या वर्षात यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या पार्थशर समाचारला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। पार्थसर समाचार की तिसरी वर्षगांठ के उपलक्ष में मैं अजय सरकार की ओर से शुभेच्छा देता हूँ। ऐसे ही पार्थसर समाचार अच्छा काम करते रहे, मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद। हाल ही में भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना के साथ ही पूरा भारत जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। लेकिन येल्लापुर में प्राचीन काल से आरक्षित हनुमान मंदिर के स्थान पर पंडित येल्लापुर कंप्यूटर चालक पर अतिक्रमण की एक घटना सामने आई है। समस्त ग्रामवासी हनुमान भक्त येल्लापुर तहसीलदार जीवती को एक बयान के माध्यम से उक्त अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई है। ग्राम पंचायत येल्लापुर में सार्वजनिक हनुमान मंदिर के लिए आरक्षित जमीन पर गांव के ही दीपक साड़े नामक व्यक्ति, जो ग्राम पंचायत येल्लापुर का एक कंप्यूटर चालक है, उसने मंदिर की जगह पर अतिक्रमण कर घर का निर्माण शुरू कर दिया। लेकिन वो व्यक्तिगत ना होकर हनुमान मंदिर की जगह है, इस जगह का तलाठी तहसीलदार ने गांव में सर्वे कर रिजर्व किया था। यह हनुमान मंदिर 1980 से अस्तित्व में है। उपरोक्त आरोपी ग्राम पंचायत संगणक संचालक ने अपने हाथों से ग्राम पंचायत के दस्तावेजों में फेरबदल कर परिसर पर कब्जा कर लिया है, इसलिए इस पर ठीक से विचार कर उक्त स्थान को दोबारा ग्रामीणों को हस्तांतरित किया जाए, अन्यथा गांव में महामारी फैलने में कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा अनुरोध येल्लापुर के ग्रामीणों ने किया है। पोस्ट येल्लापुर, मुकाम येल्लापुर, तालुका जीवती, जिला चंद्रपुर, मच्छिंद्र विठ्ठल मानकर। ती जागा 1994 तलाठी आणि पटवारे जोशी तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि तलाठी मोहितकर यांनी येऊन आम्हाला गाववाल्याला हनुमान मंदिराचा जागा 50x50 मापून दिली। आणि तिथं हनुमान मंदिर त्याचा 1977-78 पासून आम्ही तिथं ते पहिलंच बसवलेला होता की बा लोक कोणी कब्जा करू नये म्हणून आम्ही ते जागा मोजून घेतला होता। मग आता त्याचं घर लागून होतं, तिथं लागून असल्यामुळं त्यानं त्या जागेवर अतिक्रमण केलं समजा, आणि आता घर बांधत काय। आमची मागणी, आमचा जागा सोडत असताना घर बांधावं त्याच्या जागेत। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461997207556199। पार्थसर समाचार गत 3 वर्ष से चंद्रपुर जिले में कार्यरत है और इस वर्ष उनको 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस समाचार पत्र को समाज के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए मैं शुभ संदेश देना चाहूँगा और शुभकामना का करना चाहूँगा कि ये पार्थसर समाचार जो है आगे अच्छी तरक्की करे और लोगों में अच्छा संदेश पहुँचाए। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थसर समाचार के तीसरे वर्धापन के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पार्थसर समाचार जो है वो दिन ब दिन
इसकी प्रगति हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स, होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेज, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी मूल रोड चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। चंद्रपुर के दुर्गापुर स्थानीय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाखा की ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 29 जनवरी 2024 को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक में सामाजिक जागृति मेलावे का आयोजन किया गया था, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्णाकृति पुतले को पुष्पहार अर्पित किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद प्रस्तावना मौलाना साजिद अशरफी साहब दुर्गापुर प्रभारी ने की। उसी तरह मार्गदर्शन करते हुए अनिरुद्ध थेरो ने अपने भाषण में कहा कि 26 जनवरी को संविधान भारत में लागू किया और सभी समाज को बोलने की, लिखने की, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी इस संविधान ने हमें दी है। समाज के उत्थान के लिए हमें काम करना चाहिए। दलित, शोषित, पीड़ित, ओबीसी, मुस्लिम समाज ने एकता से रहकर गुजर बसर करना चाहिए। AIMIM के जिला उपाध्यक्ष अमान अहमद ने आगे बोलते हुए कहा कि मोहब्बत से सभी समाज मिलकर रहें, मोबाइल पर आने वाली अच्छी बातों को अपने दिमाग में रखें, गलत बातों पर अमल ना करें, इससे समाज में असमानता और घृणा की भावना बढ़ती है। पार्टी के ताल्लुक से कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र करता हूं कि मैं जब जब मेरे नेता को मैं देखता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जब जब मुल्क को कमजोर करने के लिए ऐसे बिल पास किए जाते हैं भाजपा सरकार द्वारा, तो सबसे पहले अगर कोई नेता खड़ा होता है तो मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़ा होता है। वो अपनी पूरी ताकत के जरिए से वो कोशिश करते हैं कि मैं ऐसे बिल का विरोध करूं जो मेरे देश को कमजोर करता है, जो मौजूदा नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है। अगर ये ड्राइवर का जो देख रहे आप, जब ये मोर्चा हुआ तो लोगों को पता चला कि यहाँ ये बिल इससे नहीं नुकसान है, लेकिन मेरे सदर ने कई पहले जब इसको पास कर रहे थे तभी आवाज उठाया था, मैं इसकी मुखालिफत करता हूँ, इसको रद्द करो करके। तो मैं यही कहूंगा कि आज का कार्यक्रम मौलाना साजिद अशरफी साहब ने बेहतरीन तरीके से रखा और हमें भी आप तक कुछ बात पहुंचानी मिली, और आए हुए तमाम मैं मेहमानों से भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर आके अपने इस प्रोग्राम को कामयाब किया। ये बात कह के मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। नमस्कार, विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज़ चैनल पार्सर समाचार, इनका 9 फरवरी 2024 की तीसरी वर्षगांठ है। सफलतापूर्वक 3 वर्ष पार्सर समाचार इन्होंने विदर्भ में पूरे किए, इसके लिए मैं सूरज ठाकरे, आम आदमी पार्टी एवं जय भवानी कामगार संगठन की तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके साथ ही 9 फरवरी 2024 को चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव एवं चंद्रपुर भूषण पुरस्कार इनके माध्यम से जिन्हें भी मिल रहा है उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। पार्थेश्वर समाचार यांचा तीसरा वर्धापन दिन साजरा होता है आणि त्या वर्धापन दिनानिमित्त चंद्रपुर रत्न आणि चंद्रपुर गौरव आणि चंद्रपुर भूषण असा पुरस्कार पार्थेश्वर समाचारद्वारे ठेवण्यात आलेला आहे। नियमित पार्थेश्वर समाजाचं जे हिंदी व्हिडिओ न्यूज चॅनल आहेत हे नियमित चांगल्या प्रकारच्या बातम्या प्रकाशित करत असतं आहे आणि त्यांच्या या उपक्रमासाठी मी माझ्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा देतो आहे आणि पार्थेश्वर समाचारचा जो तिसरा वर्धापन दिन आहे त्या दिनासाठीसुद्धा मी माझ्याकडनं मी रमेश राजूरकर हार्दिक शुभेच्छा देतो आहे। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे
एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे कुठे म्हणजे काय दादा बर सिद्धी अगदी बरोबर पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी वरसिद्धी शॉपिंग मॉल कस्तुरबा रोड चंद्रपूर